सांपों के प्रति जो श्रद्धा होती है, लोग सांपों को नाग देवता के नाम से भी जानते हैं, यही कहते हैं नाग देवता जी हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं जहाँ पे इंसान रहता है वहीं पे सारे अपने आसियाने को बना के रखता है। तो उसी वैसे में होता क्या है कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं काफ़ी दिनों से यह सांप उसी होल के अंदर सी दीवार में छिप के बैठा हुआ है। तो यहाँ के लोग जो किए हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि दिया जलाकर और अगरबत्ती जलाकर कि ताकि नाग देवता यहाँ से चले जाए, लेकिन नाग देवता नहीं गए हैं क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है हमें कि उसी होल के अंदर फंसे हुए हैं, तो निकलने का कोई चांस नहीं है। तो उसे हम इस ईंट को तोड़ेंगे और उसके बाद फिर निकालते हैं और आपको आपको रूबरू करवाते हैं कि वो सांप है कौन सा। ये सब हटवाइए आप लोग। इसके लिए घुसा है अंदर। अच्छा, जो नाग देवता जी अंदर घुसे हुए हैं उनके लिए दिया लगा हुआ है। तो चलिए ठीक है, गदारा मंगवाइए। गदारा लिया हुआ? हाँ, इसको हटा दीजिए। और जैसा कि आप ये भी देखते हैं यहाँ पे दिया जला के अगरबत्ती लगा के जल चढ़ाया गया है कि ताकि नाग देवता यहाँ से निकल जाए। और नाग देवता इस होल के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से वैसे नहीं निकले। जैसा कि आप इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं सांप इतना बड़ा और जगह इतनी कम। इसके अंदर काफ़ी प्रयास के बाद हम इसे पकड़ लिए हैं और ये काफ़ी दिनों से यहीं पे बैठा था और इतनी कम जगह में दोस्तों ऐसा मंदिर देखने को पहली बार मिला है और ये बाहर निकल रहा है। और इसे हम लेके बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडियन रेड स्नेक है जो काफ़ी दिन से परिवार भयभीत था और काफ़ी सहमा हुआ था परिवार दोस्तों, क्योंकि ये जो सांपों का डर होता है वो डर काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि जो सांप काटते हैं तो इंसान बचता नहीं, इंसान मर जाता है। इसलिए मर जाता है कि वो जब लापरवाही करता है और सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो ऐसे सांपों के काटने के बाद कुछ होगा नहीं आपको, बस सारा इंसान घबरा जाता है। तो यह सांप को भगाने के लिए यहाँ का जो परिवार था वो काफ़ी परेशान, एक हफ्ते से ये लोग बता रहे हैं कि एक हफ्ते से सांप वहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसे भागने के लिए जगह नहीं थी। तो वहाँ पे दिया और अगरबत्ती सब जला के कि नाग देवता भाग जाइए, लेकिन नाग देवता भाग। और सांपों से डरना नहीं चाहिए, इसलिए आप धैर्य बना के रखिए और अगर सांप दिख रहा है तो आप किसी भी नंबर पे किसी भी रेस्क्यू को आप फ़ोन करके सांपों को भी बचाइए और सांप के साथ साथ इंसान को भी बचाने का जो हम लोग का काम चल रहा है। और आप लोग हमारी मदद करिए, हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। अब बोरी आ चुकी है, इसी बोरी में से पैक करते हैं। और वीडियो बनाने का जो मकसद होता है दोस्तों वो आप लोग ना करिए, वीडियो को काफ़ी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। यह काम एक एक्सपर्ट के लिए ही है। फटी नहीं है ना? और जैसे कि इसे हम बोरिंग पैक करनी है, इसे ले चल के दूर जंगल में रिलीज करते हैं और मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और बाय।